हेलो दोस्तों, मैं हूं सृष्टि और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमेशा हमारे मन में एक सवाल होता है कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं पर हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्या वजह है कि हमारी मेहनत के बाद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता? तो आज की कहानी से आपको लाइफ के जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस ज़रूरत है उसे सुनकर अपने लाइफ में अप्लाई करने की। एक शहर में एक छोटी सी ऑफिस थी जिसमें 20-25 लोग काम करते थे। हमेशा ये देखा जाता था कि वो 20-25 लोग हमेशा स्ट्रेस में ही रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे। तो एक दिन उनके बॉस ने पूछा कि क्या वजह है कि तुम हमेशा दुखी ही रहते हो, तुम सब कभी भी किसी को खुश होते हुए नहीं देखा, खुशी से काम करते हुए नहीं देखा, क्या वजह है? तो कहते हैं, क्या करें सर, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, जिस वजह से हम फैमिली लाइफ भी हमारी सही नहीं चल रही। तो हम ऑफिस में भी दुखी हैं, घर पे भी दुखी हैं। पता नहीं कौन ऐसा इंसान है जो हमारी कामयाबी रोक रहा है, हमें सफल नहीं होने दे रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी। कुछ दिन बाद उस बॉस का दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया, एक नए बॉस आए। उन्होंने भी वही देखा कि सारे लोग ऐसे ही स्ट्रेस में दिन भर काम करते हैं, कभी भी उनको अच्छे से लाइफ गुजारते हुए नहीं देखा, ना ही काम करते हुए देखा। उन्होंने उन सब से पूछा कि क्या वजह है कि तुम सब इतने सैड रहते हो, कभी भी खुश नज़र नहीं आते। तो फिर जो भी वर्कर थे उन्होंने फिर वही रिप्लाई दिया कि क्या करें सर, हम तो इतनी मेहनत करते हैं पर पता नहीं कौन है जो हमारी सफलता को रोक रहा है। आप तो बॉस हैं, आप कुछ कीजिए ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जो नए बॉस आते हैं वो कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। कल सुबह सभी के टेबल पे एक चिट्ठी रहती है, उस पर लिखा रहता है कि आप इतने सालों से कामयाब नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह मिल चुकी है, क्योंकि एक इंसान था जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहा था और आज उसकी मौत हो चुकी है और कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कफन में उनकी बॉडी रखी गई है, तो आप आके उन्हें ज़रूर देख लें। तो सब में एक बहुत बातें होने लगी कि कौन ऐसा इंसान था जो हमें कामयाब होने से रोक रहा था। हम सही सोच रहे थे कि कोई तो है, तभी तो हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, चलो देखते हैं कि इंसान कौन है। सब देखने के लिए गए हॉल में, एक एक करके सब वो कॉफ़न में झांकते और डर जाते और बहुत घबराते हुए साइड में जाके खड़े हो जाते। ऐसे ही सब ने किया। लास्ट में जो कुछ लोग बच गए थे वो लोग उनकी हालत देख के ही डर गए। वो लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन है अंदर कि सबको देखते ऐसी हालत हो जा रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बस बहुत घबरा के साइड में खड़ा हो जा रहा है। डरते डरते वो हिम्मत करते करते गए और उन्होंने कॉफ़न के अंदर नीचे देखा। उन्होंने देखा तो उनकी भी हालत वैसी हो गई, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर बॉडी नहीं थी, एक आईना था। जो भी देख रहा था वो खुद के चेहरे को देख रहा था और उसमें एक लेटर लिखा था कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक इंसान जो है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है, कामयाब होने से रोक सकता है, खुश होने से रोक सकता है, तो वो तुम खुद ही हो। क्योंकि आप ही हैं जो अपने मन में चीज़ों को सोचते हैं और अपनी सोच पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ बाहर देखते हैं। और फिर सभी घबराए हुए थे, इसलिए सभी वर्कर्स को उन्होंने एक मीटिंग में बैठाया और उन्होंने समझाया कि दोस्तों हम अक्सर ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी या फिर लोग बदल जाएंगे तब हमारी सिचुएशन बदल जाएगी, तब हम खुश रहने लगेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अपनी ज़िंदगी बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, क्योंकि लोग के बदलने से हमारे हालात नहीं बदलते, हमारी सोच से, हमारे करने की शक्ति से हमारे हालात बदलते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। हमेशा हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं कि उनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। क्या दोस्तों हमने कभी भी खुद के अंदर झांक के देखा है कि हमारी सोच क्या है? क्या हमारी ऐसी सोच है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती? क्योंकि हर चीज़, सफलता हो या फिर असफलता हो, एक सोच से शुरू होती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम खुद पर ध्यान दें। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप दूसरों पे ब्लेम दोगे, दूसरों को अपनी असफलता का कारण समझोगे, तो आप अपनी गलती को जस्टिफाई करते हो। आप ये समझते हो कि आपको सुधरने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि हमें ज़रूरत होती है। या फिर आपकी
अंदर कोई डर हो या फिर कॉन्फिडेंस ना हो, कोई ना कोई ऐसी वजह आपके ही अंदर होती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ज़रूरी है कि हम बाहर ना देख के अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर सफल नहीं होने दे रही, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी। तो अगर आप लाइफ के में कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसना जहाँ आपको लग रहा हो कि आप कोशिश कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आप समझ जाना कि ज़रूरत है हमें अपनी सोच की चेकिंग करने की, अपने थॉट्स की चेकिंग करने की, क्योंकि हम 90% से ज़्यादा तो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं और फालतू सोचते हैं। तो अपनी थॉट्स की चेकिंग करो कि क्या वजह है कि हम इस चीज़ को सफल नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है कि हम मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।